CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 9 के लिए उर्दू की पाठ्य पुस्तक नवाए उर्दू भाग 1। आइए अब सुनते हैं नवाए उर्दू भाग 1 का 14वां सबक। फिराक गोरखपुरी, सफ़र नंबर 129। फिराक गोरखपुरी। तारुफ़े शायर। फिराक गोरखपुरी 1896 ईस्वी से 1982 ईस्वी तक। इनका नाम रघुपति सहाय और फिराक तखल्लुस था। शायरी इन्हें विरसे में मिली थी और इनके वालिद मुंशी गोरख प्रसाद इबरत गोरखपुरी अपने वक्त के मशहूर शायर थे। फिराक भी बचपन ही से शेर कहने लगे और उन्होंने नज्म, गज़ल, रुबाई वगैरह शेरी असनाफ में तबा आसमाई की। इनका शुमार उर्दू के अहम शोरा में होता है। 1917 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हुए और कैदो बंद की सौबतें बर्दाश्त कीं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के उस्ताद थे। फिराक का कलाम इंसानी अजमत और दर्दमंदी के एहसास से भरा हुआ है। उन्होंने इश्किया मामलात के साथ साथ जिंदगी के दीगर मसाइल को भी मौजू बनाया है। उनकी जुबान में घुलावट और मिठास है। उन्होंने इश्क के मामलात को अक्सर बिल्कुल नए ढंग से पेश किया है और बाज़ नए मजामीन भी इस्तेमाल किए हैं। रुबाई में उन्होंने संस्कृत के सिंघार रस से इस्तेफादा करते हुए माशूक को एक नए और दिलकश घरेलू रंग में पेश किया है। नगमे साज, गजलिस्तान, शेरिस्तान, शबनमिस्तान, रूहे कायनात, गुले नगमा, रूप और गुलबांग के नाम से कई शेरी मजमूए शाये होकर मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। इन्होंने आला दर्जे की तनकीद भी लिखी। इनकी नसरी किताबों में अंदाजे और उर्दू की इश्किया शायरी मारूफ है। फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ एवॉर्ड और दूसरे कई अहम एजाजात से भी नवाजा गया। सफा नंबर 130। गजल, शायर फिराक गोरखपुरी। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तर के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। यूं तो हंगामे उठाते नहीं दीवाने इश्क, यूं तो हंगामे उठाते नहीं दीवाने इश्क, मगर ऐ दोस्त कुछ ऐसों का ठिकाना भी नहीं। दिल की गिनती ना यगानों में ना बेगानों में, दिल की गिनती ना यगानों में ना बेगानों में, लेकिन उस जलवे कहे ना से उठता भी नहीं। आज गफलत भी इन आंखों में है पहले से सिवा, आज गफलत भी इन आंखों में है पहले से सिवा, आज ही खातिरे बीमार शकीबा भी नहीं। हम उसे मुंह से बुरा तो नहीं कहते के फिराक, हम उसे मुंह से बुरा तो नहीं कहते के फिराक, दोस्त तेरा है मगर आदमी अच्छा भी नहीं। सफा नंबर 131। मश्क, लफ्ज़ो मानी। सौदा, जुनून, दीवानगी। तमन्ना, आरजू, ख्वाहिश। तर्क करना, छोड़ना। यगाना,
اس لفظ کے اصل معنی ہیں جس کی کوئی نظیر نہ ہو، واحد، لیکن شاعر نے یہاں اسے بیگانہ کی ضد کے طور پر استعمال کیا ہے۔ بیگانہ، غیر۔ جلوہ گاہ، جلوہ، صورت یا صورت کی جھلک نظر آنے کی جگہ۔ ناز، ادا۔ شکیبا، جسے صبر حاصل ہو، جسے صبر آ جائے۔ خاطر، دل۔ رنجش، ناراضگی۔ بیجا، نامناسب، بلا وجہ، بے سبب۔ غور کرنے کی بات، فراق کی غزل گوئی منفرد آہنگ و انداز رکھتی ہے۔ فراق کی غزل میں روایت کا پاس بھی ہے اور جدت کا اظہار بھی ہے۔ فراق کے اسلوب میں صفائی اور بے ساختگی ہے، جس کی ایک مثال یہ غزل ہے۔ سوالوں کے جواب لکھیے۔ سوال نمبر ایک، مطلع میں شاعر نے کس کیفیت کا اظہار کیا ہے؟ سوال نمبر دو، خاطر بیمار سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ سوال نمبر تین، غزل کے تیسرے شعر میں محبت کرنے والے کی کس نفسیاتی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے؟ سوال نمبر چار، جلوہ گہے ناز سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صفحہ نمبر 132، عملی کام۔ استاد کی مدد سے شعروں کی صحیح قرات کیجیے۔ غزل کے اشعار خوش خط لکھیے۔ یہاں دیے گئے اشعار کو مکمل کیجیے۔ آج ہی خاطر بیمار شکیبا بھی نہیں، دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں۔ اسی کے ساتھ نوائے اردو بھاگ ایک کا 14th سبق یہاں ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد سبق 15 آتا ہے۔ پرستوتی CIET NCERT نئی دلی، بھارت۔